कई बार फिल्मों में आने के लिए, फिल्मों में काम मिलने के लिए या फिर अपनी आगे की लाइफ को सेट करने के लिए हीरोइनों को समझौता करना पड़ता है, कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। और कास्टिंग काउच का ये काम आज से नहीं, सदियों से इस इंडस्ट्री में चलता आ रहा है, जिसमें कई हीरोइनों के नाम शामिल हैं। और आज कास्टिंग काउच के मामले में एक हीरोइन के बारे में बताने जा रहे हैं। हीरोइन काफी पॉपुलर हीरोइन है। जब भी कास्टिंग काउच का नाम इन मामलों में आता है, तभी काफी ज्यादा डाउट आ जाते हैं और साथ ही में काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये सच है या फिर झूठ। बता दें कि फिल्म हम दिल दे चुके सनम के समय ऐश्वर्या राय जब नजर आई थी, तो उनसे पहले फिल्म में काफी बड़ी हीरोइनों का नाम पहले से ही जुड़ चुका था, मगर अचानक ही ऐश्वर्या राय को इस फिल्म में ले लिया गया, जबकि उनकी लगातार सभी फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप जा रही थी। एक तो इस फिल्म में सलमान खान थे, जिनके साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, और उसके बाद से ही इन दोनों की डेटिंग शुरू हो गई थी। लेकिन जब ये फिल्म ऐश्वर्या राय को मिली थी, तो उस वक्त ऐश्वर्या राय से कहा गया था कि डायरेक्टर सुभाष घई के साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। जी हाँ, उस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन को अपने कैरियर के लिए समझौता करना पड़ा था। उस वक्त सुभाष घई का नाम काफी ज्यादा उछल रहा था और ऐश्वर्या राय बच्चन बार बार इस बात के लिए मना भी कर रही थी। और जब सलमान खान को इन सारी बातों का पता चला, तब सलमान खान ने सुभाष घई के गाल पर जोर का तमाचा खींच दिया था। वेल, ये फिल्म काफी सुपरहिट रही थी उस समय। इस फिल्म में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।